जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन से हमला हुआ था। अभी NIA जांच कर रही है कि ये ड्रोन पाकिस्तान से तो नहीं आए थे। पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल आतंकवादियों को हथियार पहुंचाने के लिए करता रहता है। आगे की लड़ाइयां ड्रोन से ही लड़ी जाएंगी। ड्रोन के मामले में इसराइल की टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे आगे है। इसमें ही आता है इसराइल का एंटी ड्रोन सिस्टम SMASH 2000+। जम्मू की घटना के बाद भारत बहुत जल्द अपने सैन्य ठिकानों पर एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती कर सकता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय नौसेना पहले से ही डील कर रही है। असल में ड्रोन और स्मॉल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के साथ दिक्कत यह है कि ये रडार में पकड़ में नहीं आते हैं और मैन्युअली उपायों से नज़र रखनी पड़ती है। लेकिन इसराइल ने जो एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित कर रखा है वह ऐसे पाकिस्तानी ड्रोन के लिए काल साबित हो सकता है। नौसेना इसकी खरीद की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर चुकी है और संभावना है कि आर्मी और एयरफोर्स ने भी आने वाले दिनों में इसकी और कदम बढ़ा सकते हैं। भारतीय सुरक्षा बल पहले से ही इसराइली ड्रोन सिस्टम SMASH 2000+ को आजमाने में लगे हुए हैं, लेकिन जम्मू एयरबेस पर हुए देश के पहले ड्रोन अटैक ने अब इसकी तत्काल खरीद की आवश्यकता की ओर ध्यान दिया है। रविवार को तड़के जम्मू एयरपोर्ट पर 2 ड्रोन से बम गिराए गए थे, जिसमें 2 कर्मचारी जख्मी भी हो गए थे और 1 बिल्डिंग की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके बाद से लगातार 2 दिनों से जम्मू के आसपास के इलाकों में संदिग्ध ड्रोन मंडराते देखे जाने की रिपोर्ट है। यही नहीं, अप्रैल मई जून में जम्मू कश्मीर में विदेशी ड्रोन मंडराने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसराइली एंटी ड्रोन SMASH 2000+ एक ऐसा सिस्टम है जिसे राइफल पर फिट किया जाता है और उसे तेज स्पीड से उड़ रहे किसी भी ड्रोन को निशाना बनाया जा सकता है। खास बात यह है कि भारतीय नेवी पहले से ही इस एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीदारी की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है और नेवी एयरफोर्स भी प्रक्रिया जल्द शुरू कर सकती हैं। SMASH 2000 एंटी ड्रोन सिस्टम को AK-47 या किसी दूसरे तरह की किसी भी राइफल पर अलग से फिट किया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक ये उपकरण ड्रोन और दूसरे किसी भी स्मॉल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का पता लगा सकता है और ये दिन के साथ साथ रात में भी काम करने में सक्षम है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की वजह से ड्रोन अक्सर रडार की नज़रों से बच जाते हैं। ऐसी स्थिति में सुरक्षाकर्मी सिर्फ मैनुअल तरीके से ही उनका पता लगा सकते हैं और नज़दीक आने पर ही उन्हें नीचे आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय पहले से ही महत्वपूर्ण ठिकानों पर इस तरह की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को लगाने पर विचार कर रहा था, लेकिन अब इस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। मोदी सरकार पहले से ही सभी सेना प्रमुखों को ऐसे ड्रोन्स को खरीदने का अधिकार दे चुकी है। 2019 के बाद से सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भेजे जाने की करीब 250 से 300 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद से इनमें इजाफा देखा गया है। पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक ड्रोन से हथियार और गोला बारूद गिराने के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन जम्मू एयरबेस की घटना ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ सरकार के भी कान खड़े कर दिए हैं और अब इसका तत्काल उपाय ढूंढना बहुत जरूरी हो गया है।